नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासत का रुख पूरी तरह चुनावी समीकरणों और वोट बैंक के हिसाब से तय हो रहा है। आदिवासी वोट बैंक को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सजग है। गोंडवाना बेल्ट में आने वाले आदिवासी बाहुल क्षेत्र बालाघाट में रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के मौके पर बीजेपी ने आज गौरव यात्रा का आगाज किया। चूंकि देखिए, संख्या बल का खेल है। गोंड की जनसंख्या तकरीबन 60 लाख है और भील बिलाला की संख्या तकरीबन 50 लाख है। अगर दोनों को मिला दीजिएगा तो ये 1 करोड़ की ऊपर संख्या हो जाती है। बहरहाल, गौरव यात्रा का समापन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जो 5 दिन बाद होगा। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने आम सभा में हुंकार भरी। फोकस आदिवासी वोट बैंक पर है। ऐसे में मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव में आदिवासियों का साथ किसे मिलेगा, यह बड़ा अहम होगा। और दोनों ही दल किस तरह से इन्हें रिझाने की कोशिश कर रहे हैं और सेहरा किसके सर पर सजेगा, आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। मुद्दे का एक विषय यह भी है कि अभी तक दोनों दलों ने क्या किया, चूंकि ये जो बीता हुआ 5 साल है दोनों की सरकार रही है। तो गोंडवाना पर नजर, सेहरा किसके सर, यानी बीजेपी या कांग्रेस या किसी तीसरे दल, ये समझने की कोशिश करेंगे। बहरहाल, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो एक्सक्लूसिव है और इसके बाद सीधी बहस करते हैं। सियासी जंग में किसका होगा बेड़ा पार, आदिवासी किसका करेंगे उद्धार, और युद्ध के नगाड़े बज गए। मध्य प्रदेश की चुनावी जंग में सवाल बड़ा है कि जीतेगा कौन। इस सवाल का जवाब अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि जिसे भी आदिवासियों का साथ मिलेगा उसका पड़ला भारी रहेगा। इसलिए बीजेपी कांग्रेस दोनों इस वर्ग पर डोरे डाल रहे हैं। कांग्रेस की ओर से कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े आदिवासी बाहुल संभाग जबलपुर में बीजेपी के खिलाफ पुकार भरी, और अब इसी संभाग के जिले बालाघाट में बीजेपी गौरव यात्रा के आगाज के साथ आदिवासियों को साधने पहुंची। ये हमारा बालाघाट, सितंबर में भाव तैयारी कर लो, मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया जाए। अपनी सरकार बालाघाट का विकास अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बताओ? कांग्रेस कर सकती है क्या? तो बताओ, अगले विधानसभा लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहिए, और जोर से बोलो जीतना चाहिए। तो आज जिताने का संकल्प लोगे? हर गरीब के जीवन को खुशहाली लाने वाली योजना जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई थी, कमलनाथ की सरकार ने 15 महीने में हर योजना को बंद करके हर गरीब के हक और अधिकार को छीना था। और इसलिए आज इस बात की जरूरत है कि पुनः सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो उन योजनाओं को लागू करके हर गरीब को संबल देने का काम किया है। इधर कांग्रेस बीजेपी के अभियान पर उसे घेर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकारी खजाने का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए कर रही है। आदिवासी भाइयों को मालूम है कि अब तक जो भी उनका उत्थान हुआ है वो किसने किया है। मुझे खुशी होगी, आदिवासियों के साथ भोजन कर रहे हैं वे, आदिवासियों के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार में नेताओं ने अफसरों ने कितना खाया है उसकी भी जांच करवाई। मोदी सरकार के 9 साल के सुशासन और उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाकर बीजेपी सत्ता के अगले संग्राम की राह को आसान करना चाह रही है। मध्य प्रदेश की चुनावी राह में बीजेपी को तमाम वर्गों के साथ आदिवासियों का भी साथ चाहिए। चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के खाते में आ गए थे। इसलिए इस बार दोनों ही दल आदिवासियों पर फोकस कर रहे हैं, यानी जिसका मिशन आदिवासी सफल होगा उसका मिशन मध्य प्रदेश भी आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, iVision 24। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि गोंडवाना पर नजर है और किसके सर पर सेहरा बंधेगा। मिलन भार्गव जी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, आपका स्वागत है। मिथुन अहिरवार जी है कांग्रेस के फायरब्रांड प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मध्य प्रदेश की राजनीति को बड़े अच्छे से जानने और समझने वाले दिनेश गुप्ता जी, आज बड़े दिनों बाद आए, आपका भी बहुत स्वागत है। मिलन भार्गव जी, अगर इन 3.5 वर्षों में आप कह रहे हैं कि हमने आदिवासियों के लिए बहुत
काम किए हैं, पेशा कानून से लेकर दूसरी योजनाओं के जरिए, तो फिर इतने पसीने बहाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? तीन बड़े राष्ट्रीय नेता इन एक हफ्ते में दौरा कर रहे हैं। देखिए, परिश्रम की पराकाष्ठा करना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के अंतर निहित है। इसी दिशा में देखिए, 3.5 वर्षों में आदिवासी वर्ग को जो पैसा कानून दिया गया, उनके अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करने, उनके स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए, ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला रहा जो मध्य प्रदेश सरकार ने उनको सौंपा है। रही बात आदिवासियों के उत्थान की, तो देखिए, आदिवासी का बच्चा आज IIT, MBBS और विदेशों में उस शिक्षा पा रहा है, तो ये मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है जो उसको स्कॉलरशिप देकर उसके सपने को साकार करने का काम कर रही है। वहीं 15वां में कमलनाथ सरकार आई तो उन्होंने लैपटॉप और साइकिल जैसी जो मूलभूत जरूरत थी वो तक छीन ली और बंद कर दी थी। स्कॉलरशिप तो आप छोड़िए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार जैसी पुनः आती है, स्कॉलरशिप भी चालू करी जाती है, उनके सपनों को साकार भी किया जाता है, उनके शौर्य इतिहास की गाथाओं को भी पुनरुत्थान करते हुए जन जागरण चलाया जाता है। क्योंकि मुगलों का जो सफाया रानी दुर्गावती जी ने किया था उसका एक गौरवशाली और मजबूत इतिहास है जो आज की पीढ़ी को और भविष्य के भारत को मालूम चलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी ने मुगलों के इतिहास को तो गौरवशाली बताया, अकबर और औरंगजेब को महान बताया, लेकिन रानी दुर्गावती और रानी कमलावती ऐसी महान नायिका जो इस देश में पैदा हुई, इस माटी के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके इतिहास को छुआ तक नहीं। वर्तमान की पीढ़ी हो या पिछली जो पीढ़ियां हो, उसको भी किस प्रकार से जन जागरण से जागृत करने के लिए मिथुन अहिरवार जी, ठीक है सर, आपका समय ओवर करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। मिथुन अहिरवार जी, चूंकि 2018 में सबसे ज्यादा आदिवासियों ने आप पर भरोसा किया, 2/3 से ज्यादा सीटें आपको दी, 15 महीने की सरकार आपकी भी रही, लेकिन इसी मंच पर फेस टू फेस मध्य प्रदेश में बीजेपी आप पर ये एलिगेशन लगा रही है कि मुगलों को तो आप बढ़ाते रहे लेकिन आदिवासियों को कभी आपने नहीं बढ़ाया। देखिए, जिस भारतीय जनता पार्टी ने संसद के उद्घाटन में भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुसलमान नेताओं को तो बुलाया लेकिन आदिवासी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, वो हम पर इस तरीके के हास्यास्पद आरोप लगा रही है। इस आदिवासी वर्ग के लिए यदि आरक्षण दिया कि IIT हो, IIM हो, एम्स हो, BHL हो, PSU हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, हर जगह आदिवासी एक निश्चित संख्या में जाएंगे, तो ये काम कांग्रेस पार्टी ने दिया, हमने आरक्षण दिया। वो SC/ST एक्ट जिससे कि आदिवासी विरोधी लोग थर थर कांपते हैं कि उन पर SC/ST एक्ट ना लग जाए, वो SC/ST एक्ट हमने बना करके दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको कमजोर किया। वो आयोग आदिवासी, चाहे वो आयोग हो चाहे आदिवासी वित्त आयोग हो, जिसके जरिए आदिवासियों की विशेष विकास की हमने व्यवस्था की, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया। स्कॉलरशिप की योजना हम लाए थे आदिवासी समाज के लिए, हॉस्टल्स हमने उनके लिए अलग से बना करके दिए। इस देश की हर व्यवस्था में, हर सरकारी व्यवस्था में आदिवासी समाज का एक निश्चित स्थान हो, ये कांग्रेस पार्टी ने करके दिया। भारतीय जनता पार्टी से यदि पूछा जाए कि एक कोई योजना जो आपने अलग से आदिवासी समाज के लिए बनाई हो, एक योजना ये लोग गिना नहीं सकते। हाँ, मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार में जरूर नंबर एक बना दिया, मध्य प्रदेश कुपोषण, जो आदिवासी बच्चियां हैं उनके कुपोषण में जरूर इन्होंने नंबर एक बना दिया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदिवासी समाज के लोगों को 10 फीट गड्ढे में गड़ा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के लोगों को ट्रक के पीछे बांधकर घसीटते हैं। आदिवासी अत्याचार में नंबर एक बनाया, ये इनकी कारगुजारी है, हमने आदिवासी, चूंकि सभी के लिए एक समान समय है। दिनेश जी, आपसे समझना चाहती है मध्य प्रदेश की जनता और खासकर दोनों दल आदिवासियों के लिए अपने अपने दावे तो कर रहे हैं लेकिन धरातल पर स्थिति क्या है? देखिए राहुल, धरातल पर हमने देखा था कि 2013 में क्या हुआ था। 2013 के चुनाव में आदिवासी कांग्रेस के साथ तो नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही था। 2018 में नतीजे उलट हुए ना, 2018 में इसलिए उलट हुए कि 13 में जो कमिटमेंट किए गए थे आदिवासियों की राजनीति की, उस वक्त भी की गई थी लेकिन उनको पूरा नहीं किया गया। आज आप देखिए कि ये ऐसा नहीं है कि 8-15 दिन की ये से ये आदिवासियों को लेकर सियासत चल रही। मार्च 2020 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस बनी है तब से उन्हें लग रहा है कि आदिवासी उनसे दूर हुआ, और कहीं ना कहीं आप देखिए कि जयस का जो प्रभाव है उसको लग रहा है कि एक जयस और कांग्रेस का जो कॉम्बिनेशन है वो भी उसके खिलाफ गया है। और जहां गोंड आदिवासियों की जो हम बात कर रहे हैं,
गोंड आदिवासियों में वो जिस तरह से जीत दर्ज करती रही वोटों के डिवीजन से कि कांग्रेस को जो वोट मिलता वो ना मिले, लेकिन कांग्रेस ने जो मैनेजमेंट किया उससे वो 2018 में उसने बाजी पलट दी। अब उसकी जो चुनौती तो यही है ना कि कांग्रेस भी मैनेज कर रही है, आदिवासियों के बीच जा रही है, वो अपने वोट बैंक को सहेजने की कोशिश कर रही है, इसलिए भाजपा के सामने चुनौती बड़ी है। और भाजपा तो हर बार अपनी रणनीति बदलती रही, कभी ओबीसी पर चली जाती है, कभी ट्राइबल पर चली जाती है, तो उसका स्टैंड ही बहुत कई बार कंफ्यूजन वाला रहता है कि किसके साथ जाए। ठीक है, बीजेपी का जो स्टैंड रहता है कई बार कंफ्यूजन वाला रहता है मिनल जी, और सवाल तो आपसे ये भी पूछा जाएगा ना, मिथुन अहिरवार जी भी कह रहे हैं कि एनसीआरबी का डाटा ले लीजिए, आदिवासियों पर कितने अत्याचार हुए, नेमावर, लटेरी और खरगोन का मामला भी सामने है, ये उठा रहे हैं। देखिए एनसीआरबी के आंकड़े हैं कांग्रेस पार्टी के, इन आंकड़ों से इतर हम बात करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास लेकर चले थे और चल रहे हैं। समाज के उस वर्ग को जो शोषित था वंचित था, आपने देखा, आपने छोटा सा एक सिंपल सा सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आती है और 60 दशकों तक इस देश में रहती है तो मुगलों के इतिहास में जो अकरंता रहे, देश के टुकड़े किए, गरीब जनता को मारा घसीटा और अस्मत लूटने का काम किया, उनका महिमा मंडन करने की जगह इन आदिवासी मुगलों की बात गौरव गाथाओं क्यों नहीं गाया गया, ये पूछी ना, इसमें इसका उत्तर क्यों नहीं मिला, एक चीज समझना होगा मिलन, रानी दुर्गावती की बात हो रही ना, आप तो हम लोगों को बात करना होगा ना, उसमें इनके गौरव की, देखिए आप कह रहे हैं कि आपने आदिवासियों के लिए सर्वाधिक कार्य किए, सवाल क्या रानी दुर्गावती पे नहीं होगा, ठीक है होगा 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 होगा, रानी दुर्गावती पे होगा, आप गौरव यात्रा निकाल रहे हो, इतिहास से क्या छेड़छाड़ काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, सवाल तो ठीक है ठीक है, लेकिन लेकिन ये भी तो पूछा जाएगा ना, नेमावर, लटेरी, खरगोन और एनसीआरबी के आंकड़े, चूंकि हम लोग तीनों लोग इसी के लिए बैठे हुए हैं ना, तो उन आंकड़ों में ये बात आ रही कि आदिवासियों पर अत्याचार तो हुए हैं, तो ये बात तो क्लियर है ना, इस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए किसी प्रकार के कोई अत्याचार नहीं हो रहे, कहीं कोई बात आती है तो पुलिस उस पर निर्णय करती है, एफआईआर करती है, और जो इस तरह के कृत्य करता है उनको सलाखों के पीछे डालती है, आपने भी देखा हमने भी देखा, इसको नकारा नहीं जा सकता। आपको याद होगा 15 मार्च की कमलनाथ जी की सरकार थी, इनके छिंदवाड़ा गृह जिले में एक आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए आंदोलन किया, तब जाके एक माह के अंदर उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है, तो ये तो इनका चाल चरित्र है। और रही बात आरक्षण की, आरक्षण को लेकर ये बात कर रहे थे, इन्होंने आरक्षण तो दिया, किसने दिया? बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने, उस अंबेडकर जी ने, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा, नहीं नहीं हम थोड़ा हम लोग बढ़ रहे हैं, हम लोग डिबेट से, बहुत बड़ा मुद्दा है मिथुन जी, बहुत बड़ा मुद्दा है, जाना पड़ेगा क्योंकि आदिवासी और इसके लिए दो घंटे बहस में लगेगी ना मिथुन जी, देखिए वो कह रहे हैं कि जहां जहां अत्याचार हुआ है तुरंत कार्रवाई हुई, पुलिस ने अपना काम किया है, मिलन जी मैं आ रहा हूं आपके पास, तुरंत वहां पर कार्रवाई हुई है। देखिए दो बातें, एक तो मिलन जी से मैं कहना चाहता हूँ, पहला तो ये सर के एनसीआरबी के आंकड़े कांग्रेस के नहीं होते, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के होते हैं, अमित शाह जी के हस्ताक्षर से जारी होते हैं, गृहमंत्री देश के जारी करते हैं, तो ये आपकी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड आपके गृहमंत्री जारी कर रहे हैं, उनको शायद शर्म आ गई होगी संभवतः, इसीलिए वो कार्यक्रम में आ जाए नहीं। दूसरी बात, कांग्रेस ने 60 दशक तक छह दशक तक कार्य किया है, 60 दशक नहीं किया। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं साहब इतिहास तो हमने खूब पढ़ाया, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने एक कोई योजना आदिवासी समाज के लिए अलग से बनाई? एक मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आदिवासी समाज के लिए अलग अलग, जैसे एससी एसटी एक्ट हमने बनाया, जैसे आरक्षण की व्यवस्था हमने की, एससी हमने आदिवासी समाज के लिए आयोग, चलिए आप एक पूछ रहे हैं उनके पास सैकड़ों से लेंगे, यदि एक योजना की हो उनसे पूछेंगे कि सैकड़ों, दूसरी बात, लेकिन दिनेश जी एक मिनट मैं आ रहा हूँ, आपने एक पूछा वो कह रहे सैकड़ों है, लेकिन दिनेश जी अगर ये दोनों लोग इतने बड़े हितैषी हैं तो किसी ने बड़े आदिवासी नेता को क्यों नहीं खड़ा किया, जैसे भाई उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटका में, दूसरे जगहों पे है, डिप्टी सीएम का विचलन है, तो कभी तो दोनों दलों ने इसमें आगे नहीं है, दोनों दलों को आप देख लीजिए। देखिए राहुल, कांग्रेस ने तो किया, जमुना देवी मुख्यमंत्री रही, बैरल कवर रहे छत्तीसगढ़ के, लेकिन जो बात होती है ट्राइबल, आप सोचिए 20-21% जो पॉपुलेशन हो, लगभग आप देखिए ना, जो बड़ी सबसे बड़ी पॉपुलेशन आदिवासी, उनको ही यदि आप ट्राइबल फेस नहीं लाते हैं सामने, तो इसका मतलब ये है कि आप वोट तो चाहते हैं लेकिन पॉलिटिक्स में उनको आप लीडरशिप नहीं देना चाहते। लीडरशिप में आप क्या है, अपर कास्ट को हावी रखना चाहते हैं या फिर ओबीसी पॉलिटिक्स को हावी रखना चाहते हैं,
या भी अभी जो देख रहे हैं ना कि रानी दुर्गावती के साथ यदि मुगल आ जाएंगे तो हम राजनीति को कहां ले जा रहे हैं, जो आदिवासी ठीक है। ये एक पत्रकार ने अहम सवाल उठाया है, आप वोट तो चाहते हैं लेकिन लीडरशिप देना नहीं चाहते, दोनों से बारी बारी सवाल है, पहले मिथुन जी से। देखिए सीधी सीधी बात है, आदिवासी समाज के लिए आपने बाबा साहब अंबेडकर की बात की थी, आदिवासी समाज के लिए हमने कांतिलाल भूरिया जी को यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, जमुना देवी जी हमारी उप मुख्यमंत्री रही। भारतीय जनता पार्टी ने यदि कोई आदिवासी समाज से किसी को प्रदेश अध्यक्ष या उप मुख्यमंत्री बनाया हो तो बताना चाहिए। बाबा साहब को कानून तो हमने आदिवासी समाज के लिए जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के हमने काम किए। मिलन जी 100 योजनाएं गिना रहे, तो मैं कह रहा हूं एक योजना आदिवासी समाज के लिए आपने अलग से बनाई हो वो आप बता दीजिए। उज्ज्वला सबको मिल रही है, पीएम आवास सबको मिल रहा है, आदिवासी समाज के लिए एक योजना। ये उस कबूतर की तरह आंखें बंद किए हुए हैं जो बिल्ली के आने के बाद कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है। देखिए इस देश में संवैधानिक संस्था के प्रमुख जो है वो आदिवासी महिला है। आज मध्य प्रदेश में संवैधानिक संस्था के सबसे उच्च पद पर राज्यपाल बैठे हैं, वो भी आदिवासी वर्ग से आते हैं। तो हमने तो फग्गन सिंह कुलस्ते को यहां से भेजा, वो भी हमारे मंत्री हैं, ऐसे बहुत सारे मंत्री, दर्जनों मंत्री हैं केंद्र सरकार में जो आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस समाज का उत्थान और संरक्षण करने का काम यदि किसी सरकार ने किया है वो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार। योजना चली रही है, ये भी चल रही है, पैसा है, पैसा है आदिवासी के लिए, सिकल सेल किसके लिए, आपके हमारे लिए थोड़ी है। सबसे ज्यादा बीमारी इसी समाज में पाई जाती है, ठीक है, बीमारी को भी निस्तनाबूद करने के लिए हम नहीं चला रहे हैं, सबके लिए नहीं नहीं आप घबरा गए, सिकल सेल किसी और को आदिवासी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं सर, प्लीज आप 20 सेकंड में आप बोलिएगा, आप दोनों लोगों को मौका दूंगा सर, मैं 20 सेकंड में रखिएगा। दिनेश जी ये तो दोनों लोग नाम गिना रहे हैं, उन्होंने भी नाम गिनाया फग्गन सिंह कुलस्ते का, वो भी कह रहे हैं कि कांतिलाल भूरिया। आप तो राष्ट्रपति जो आज राष्ट्रपति है वो आदिवासी समाज से आते हैं, भी कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत बनाए थे, लेकिन सवाल ये है कि जो लीडरशिप की जब हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री की बात करते हैं, ना कि हम पार्टी अध्यक्ष, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष का पद देना कोई बहुत ऐसा काम नहीं होता कि जिससे आपके कोई लीडरशिप में फर्क आ जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जब आप बनाते हैं तो जो है लगता है जो दूसरे लोग हैं राजनीति कर रहे हैं उनको लगता है कि उनकी हक जा रहा है, ठीक है, आदिवासी को ठीक है। मिथुन जी आप ही के सर पर सेहरा क्यों, इसकी वजह क्या है, 20 सेकंड। देखिए आदिवासियों के लिए अगर किसी एक राजनीतिक दल ने जन्म से लेकर के मृत्यु तक की योजना बनाई है तो वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक की योजनाओं को खत्म करने का अगर किसी ने काम किया, समय समय पर उनके आरक्षण को खत्म करने की बात की, समय समय पर उनके अधिकारों को खत्म करने का काम किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसलिए सेहरा हमारे सर पर। मिलन जी आदिवासियों का साथ आपको क्यों मिली भाई, बड़ी ही विचित्र है। हाँ देखिए आदिवासियों के उत्थान के लिए, उनके शौर्य के लिए, उनके स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है, तटस्थ है, और उसी शौर्य गाथा को लेकर हम लोग जा रहे हैं। हम शौर्य गाथा रानी दुर्गावती की भी गाएंगे, रानी कमलावती की भी गाएंगे। आप अकबर और औरंगजेब वो टीपू सुल्तान को महान कहिए, आप मुगलों के चरण चुंबन करिए, लेकिन हम आदिवासी समाज के गौरव बहुत गाथा शुक्रिया को इस बहस में हिस्सा लेने के लिए मिलन जी, मिथुन जी और दिनेश जी। लेकिन सवाल तो बड़ा ये है कि वोट तो सब चाहते हैं सारे दल, लेकिन नेता बड़ा कोई क्यों नहीं करना चाहता। बहुत शुक्रिया इस बहस में हिस्सा लेने के लिए, नमस्कार।